primary data and ungrouped data are the same. Data collected by NADRA to issued computerized identity card. जब data collection की बात है तो यानी ये कैसा data है? Primary data है. Next question की अगर हम बात करें तो अगर हमारा अगला question रहेगा, अ पैरामीटर इज़ अ मेज़र. तो पैरामीटर जो मेज़र करता है वो पॉपुलेशन को मेज़र करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा था फोर्थ क्वेश्चन, सम ऑफ डॉट्स. जहां हम डॉट्स का सम करने की बात कर रहे हैं, टू डाइस रोल. अगर दो डाइस अगर हम रोल करें तो डाइस के नंबर जो आएंगे वो हमेशा डिस्क्रीट वेरिएबल होंगे, यानी नंबर्स में आएंगे, 1, 2, 3, 4. और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेंसिस रिपोर्ट जो है उससे अगर हम कोई डेटा यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारा कौन सा होगा? सेकेंडरी सोर्स में आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, यहाँ हमें इन सब की आंसर्स बताने हैं वैल्यू. तो हम इन सब का सम करेंगे, 12 + 19 + 10 + 7 = 48 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कांस्टेंट वेरिएबल कैन टेक. तो कांस्टेंट वेरिएबल में हम सारी वैल्यू को फिक्स्ड अज्यूम करके चलते हैं. इफ़ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ एबनॉर्मली टेल पीक. अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन में टेल और पीक की बात हो रही है तो वो लेप्टोकर्टिक हो जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या होगा यहाँ? ए ऑप्शन. 9th क्वेश्चन है, द मीन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या है? 23 है, यानी एक्स तो है 23 और मीडियन जो है वो है हमारा 24 और जो मोड है वो है हमारा 25.5. तो सबसे ज़्यादा क्या है? मोड है और मीन सबसे कम है, यानी कि नेगेटिवली स्क्यूड जो है डेटा है. आंसर हो जाएगा यहाँ हमारा डी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रुप्ड डेटा इज़ ऑल्सो कोल्ड. तो ग्रुप्ड डेटा को हम सेकेंडरी कहते हैं और अनग्रुप्ड डेटा को हम जो है प्राइमरी डेटा कहते हैं. अकॉर्डिंग टू द एम्पेरिकल रूल, अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ डेटा शुड बी लाई विद इन. तो हमें 2 सिग्मा यानी 2 स्टैंडर्ड डिवी सिग्मा के अंदर कितना डेटा आता है ये हमें बताना है. तो 95% डेटा कवर करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चांस वेरिएशन इन एन ऑब्जर्वेशन प्रोसेस. जहाँ चांस की बात है तो वो आएगा हमारा रेंडम वेरिएबल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, द डेटा विच हैज़ ऑलरेडी बीन कलेक्टेड. अगर पहले से डेटा कलेक्ट है उसको हम यूज़ करें तो सेकेंडरी डेटा कहलाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चनियर सर्वे मेथड इज़ यूज टू कलेक्ट. क्वेश्चनियर सर्वे के अंदर जब भी हम सर्वे भरवा रहे हैं इसका मतलब हम प्राइमरी डेटा को ही कलेक्ट कर रहे हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट हैंड एंड अनऑर्गेनाइज. अगर पहली बार कोई डेटा है अनऑर्गेनाइज है तो प्राइमरी डेटा होता है. दिस नंबर ऑफ एक्सीडेंट. तो एक्सीडेंट हमेशा डिस्क्रीट नंबर में होंगे, यानी 5, 10, 11, 12 इस तरह नंबर में होंगे, कभी पॉइंट्स में नहीं होंगे, डेसिमल में नहीं होंगे. द मीन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 14. मीन कितना है? 14 है. स्टैंडर्ड डिवीशन कितना है? 5 है. कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला हमें पूछा है, डिवाइड बाई म्यू इज़ इक्वल्स टू सी वी. तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 35.7%. इन अ स्टैटिस्टिकल, अ सैम्पल मीन. ए सैम्पल का क्या मतलब होता है? ए पोर्शन होता है किसी भी पॉपुलेशन का, सैम्पल कहलाता है. इन अ स्टैटिस्टिक, अ सैम्पल मीन्स, सैम्पल मीन्स अ पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड. मोड जो होता है वो सारी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं होता, बल्कि AMGMRHM ऑल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होते हैं. द हाइट ऑफ अ स्टूडेंट 60 inches. तो हाइट हमेशा कंटिन्यूस जो डेटा है उसका पार्ट होता है, क्योंकि ये पॉइंट्स में आती है और डेसिमल में हम इसे काउंट कर सकते हैं. व्हेन डेटा आर कलेक्टेड इन अ स्टैटिस्टिकल स्टडी फॉर ओनली अ पोर्शन और सबसेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ अ इंटरसेक्ट वी आर यूजिंग. यानी कि यहाँ बात हो रही है, व्हेन डेटा आर कलेक्टेड इन अ स्टडी ओनली अ पोर्शन ऑफ सबसेट, सैंपल की बात हो रही है, किसी एक सब्जेक्ट की बात हो रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्रांच ऑफ अ स्टैटिस्टिकल डील विद द टेक्निक दैट आर यूज टू ऑर्गेनाइज समराइज इन प्रेजेंटिंग. तो ये सारे एलिमेंट जो है वो हमारे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के हैं. द अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन. तो जो डेविएशन से अगर हम सम निकालते हैं किसी भी चीज़ का तो वो कैसा रहेगा? 0 होगा. इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स का होता है द मैथड टू मेक डिसीजन अबाउट द पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द सैम्पल रिजल्ट. Which one of the following measurement is not divided a set of observation into equal part?
तो स्टैंडर्ड डिवीजन इक्वल पार्ट में नहीं बांटता, क्वार्टाइल जो है वो उसे चार पार्ट में डिवाइड करता है, परसेंटाइल भी करता है 100 पार्ट्स में, और मीडियन भी 50 पार्ट में डिवाइड कर देता है।